हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो लुक है ये मैंने क्रिएट किया है न्यूली वेड्स के लिए। लाइक आई एम ऑल्सो न्यूली वेड, अभी मेरी मैरिज हुई है कुछ टाइम पहले ही। सो मैं आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप शादी के बाद एवरीडे रेडी हो सकते हैं, काफ़ी लाइट सटल सा मेकअप रख सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखने चाहिए क्योंकि आप न्यूली मैरिड हैं। सो काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए एंड या मतलब होता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से रेडी होके अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं जो मेकअप करती हूँ वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप लुक। सबसे फर्स्ट है कि आपका जो बेस है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होना चाहिए। तो मैं जस्ट अपना फेस वॉश करके आई थी और मैंने क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज ये क्रीम लिया है और इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। समर टाइम है तो मुझे ये अप्लाई करना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड कर देता है एंड बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, ना ही ज़्यादा ग्रीसी करता है। सो मेरा जो स्टेप होता है वो मैं फॉलो करती हूँ कि काफ़ी लाइट सटल मेकअप रखूँ और बहुत लाइट बेस रखूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, कलर करेक्शन मैं वैसे नहीं करती हूँ, मैं जस्ट कंसीलर लेके जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क एरियाज है, अंडर आइज हैं, इन सब जगहों को जो है कंसील कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने ये एज रिफाइन कंसीलर लिया है एंड अप्लाई कर लिया है अपने डार्क एरियाज़ में, जिससे कि अगर मैं फाउंडेशन के बाद अप्लाई करूँगी तो थोड़ा लगता है कि हमने ज़्यादा मेकअप किया है। तो अभी आप देख सकते हैं बेस काफ़ी इवन लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी, तो ये है मैक का फाउंडेशन NC 30 और 35, जो भी है वो लिंक आपको मिल जाएगा जो मेरा शेड है। तो इसको मैंने बहुत बहुत कम लिया है, बहुत कम प्रोडक्ट लिया है क्योंकि मैं बहुत लाइट बेस रखती हूँ, बिल्कुल भी ओवर मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। तो मैं सजेस्ट भी करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन ना यूज़ करें, अदरवाइज़ जो है बहुत केकी हो जाएगा पूरे दिन ये मेकअप आपके फेस पर रहते रहते। सो या देन मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करने से पहले ब्लश यूज़ करती हूँ। ये मैंने फेसेस का ब्लश यूज़ किया है। मैं रीज़न बता देती हूँ क्यों मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो जब मैं कॉम्पैक्ट के ऊपर ब्लश लगाते हैं तो लगता है बहुत ज़्यादा मतलब मेकअप किया हुआ है, बट जब आप इसके ऊपर कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे ना तो बहुत नेचुरल सा लुक आता है, लगता है कि आप नेचुरली ब्लश कर रहे हैं। सो दैट्स वाई ब्लश को मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया। कोरल सा कलर है, बहुत ब्यूटीफुल कलर है, इसका शेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। देन मैंने जो है अपना ब्लश जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, बहुत ज़्यादा चीक्स पे कवर नहीं किया है। तो अभी ज़्यादा लग रहा है आपको ब्लश, बट आफ्टर अप्लाइंग माय कॉम्पैक्ट आप देख सकते हैं जो ब्लश है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया है। और ये मैंने मैक्स का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, अमेजिंग है, ब्राइड्स के लिए ज़रूर ट्राई करें। अगर आप फाउंडेशन ना यूज़ कर रहे हो तो भी आप जस्ट इसको अप्लाई करें, ये बहुत अच्छा बेस इवन बना देता है। सो जैसे कि मैंने ब्लश और सबके ऊपर अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन, तो काफ़ी सेट हो गया है मेरा फेस इससे। देन मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, बहुत सटल सा हाइलाइटर है ये ओफ्रा का, इसका शेड भी मैं दे दूँगी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी सटल सा हाइलाइटर है ये, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे हाइलाइटर, लाइक एवरीडे बेसिस के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, काफ़ी सटल सा लुक देता है ये। तो ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड आपका जो फेस का हाई पॉइंट्स है वहाँ पे अप्लाई करें, ज़्यादा ना अप्लाई करें, आप देख सकते हैं बहुत सटल है यह लाइटर। तो इसे मैंने अप्लाई कर लिया है ब्रिज ऑफ द नोज़ चीक बोन्स पे एंड देन मैं अपना आई मेकअप कर लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये ब्राउज फिल कर रही हूँ। ये मैंने फेसेस का ब्राउ पेंसिल लिया है, मेरा फेवरेट है ये ब्राउज जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा फिल करती हूँ एंड ऑल्सो अभी मेरी आईब्रोज़ भी लाइक शेप में नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बुशी लग रहा होगा आपको। तो इसको मैंने ब्राउज़ फिल कर लिया है एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ फिजिशियंस फॉर्मूला का ये आई शेडो पैलेट। काफ़ी ब्यूटीफुल आई शेडो पैलेट है क्योंकि इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शिमरी शेड्स हैं एंड पूरी आईलेट पे अप्लाई कर लेना है। इतना ज़्यादा मुझे हाई लाइक हैवी आई मेकअप नहीं पसंद है, तो मैं बहुत लाइट सा जस्ट शिमर शेड अप्लाई करती हूँ पूरी आईलेट पे एंड देन मैं अपना लाइनर यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने मैक का आईलाइनर यूज़ किया है एंड बहुत ईजिली इससे जो है आपका आईलाइनर अप्लाई हो जाता है, बिल्कुल भी मैसी नहीं होता है एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्टे है इसका, बहुत लॉन्ग स्टे है। तो अच्छा सा विंग लाइनर बहुत अच्छा सा अप्लाई करें, इससे आपका जो मेकअप है काफ़ी अच्छे से इन्हांस होकर शो होता है। तो अच्छे से मैंने आईलाइनर को विंग कर लिया है एंड देन मैं शुगर का ये मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आई डोंट फील कि फॉल्स आईलैशेस आपको फॉल्सेज मतलब डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए, तो जस्ट मस्कारा अप्लाई करें एंड थोड़ा नेचुरल ही रखें अपने आईलैशेस को भी, ओवर ना दें क्योंकि स्वेटिंग से आपका जो मस्कारा है ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो वो ख़राब भी हो सकता है। देन मैंने ये मैक का काजल लिया है, अगर आप चाहें तो अपनी पूरी वाटर लाइन पर अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे मेरे फेस पे काजल बिल्कुल सूट नहीं करता है तो मैं जस्ट आउटर वी के तरफ नीचे यूज़ करती हूँ वाटर लाइन में एंड इनर की इनर कॉर्नर्स, दैट्स इट। तो थोड़ा सा स्मच कर लिया है मैंने एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का ये लिप लाइनर, रेड कलर का लिप लाइनर है एंड इसे अच्छे से आउटलाइन कर लें अपने लिप्स पे
पे आउटलाइनिंग करने से क्या होता है, आपके जो लिप्स का शेप है वो काफ़ी ब्यूटीफुली शो होता है। एंड मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो हमेशा ना डार्क शेड्स यूज़ करें, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। लाइक मेरी मैरिज से पहले मेरे को डार्क शेड्स इतने पसंद नहीं थे, बट आफ्टर मैरिज मैं सिर्फ डार्क ही लगाती हूँ, लाइट मुझे पसंद ही नहीं है। तो मैंने ये लिपस्टिक यूज़ की है, मैक की रूबी वू, एंड बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल शेड है ये। आई फील एवरी ब्राइड के मेकअप किट में ये शेड ज़रूर होना चाहिए, मैक का रूबी वू। अगर आप ये आप इतना स्पेंड कर सकते हैं तो ज़रूर इसका छोटा वाला भी ट्राई कर सकते हैं। 950 रुपीज़ में आता है इस मैक रूबी वू का छोटा मिनी लिपस्टिक। एंड लास्ट स्टेप होता है मेरा छोटी सी बिंदी का, मुझे छोटी सी बिंदी बहुत प्रिटी लगती है। मैं एवरी डे बिंदी ज़रूर लगाती हूँ, सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। तो ये जो मेकअप लुक था ये वैसे मैं डेली बेसिस पे इतना ओवर नहीं करती हूँ, स्टार्टिंग के डेज़ में करती थी, बट अभी 2 मंथ्स हो गए हैं तो ये मैंने अपने 2 मंथ्स एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया था उसके लिए मैंने मेकअप लुक किया था। आई होप आपको पसंद आएगा। ज़्यादा हैवी भी नहीं है इसका बेस एंड ज़्यादा लाइट भी नहीं है, लग रहा है काफ़ी सटल सा मेकअप लुक। तो आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन हिट दी लाइक बटन, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रोडक्ट्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। एंड पर्पल पे आज सेल चल रही है, लास्ट डे है सेल का, तो आप सेल को भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो। एंड ये था मेरा फाइनल लुक, सो या थैंक यू, बाय।